नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम हसल लिखते हैं, HUSTLE, तो इसे हस्टल क्यों नहीं पढ़ा जाता। इसी प्रकार जब हम LISTEN लिखते हैं, तो इसे लिस्टन क्यों नहीं पढ़ा जाता, लिसन क्यों पढ़ा जाता है। इसमें टीका उच्चारण क्यों नहीं होता है। यहां पर भी टीका उच्चारण नहीं हुआ, यहां पर भी टीका उच्चारण नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं होता है? एक को हस्टल और दूसरे को लिस्टन क्यों नहीं पढ़ा जाता है? तो इस वीडियो को, इस जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो टी से की इस प्रकार से संबंधित उच्चारण में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो आपका रूल आपके सामने है, देख सकते हैं। यदि शब्द के अंत में TLE हो, एक साथ TLE, आप माइंड में फिट कर लीजिए। यदि शब्द के अंत में एक साथ TLE हो, तब टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें, बर्ड उच्चारण, उच्चारण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनंसिएशन। क्या कहते हैं? प्रोनंसिएशन। यह एक ऐसा शब्द है कि जिसका स्वयं में अर्थ है, उच्चारण होता है, किंतु सबसे अधिक इंग्लिश में गलत उच्चारण इसी का होता है। इसका स्वयं का अर्थ क्या है? उच्चारण है। और यदि इंग्लिश में कोई सबसे अधिक गलत उच्चारण किया जाता है, तो यह प्रोनंसिएशन का ही किया जाता है। तो देखें, जैसे HUSTLE, इसमें शब्द के अंत में TLE एक साथ है, इसलिए हम यहां पर इसका उच्चारण नहीं करेंगे और क्या पढ़ा जाएगा इसे? हसल। इसी प्रकार BUSTLE, इसमें शब्द के अंत में TLE एक साथ है, इसलिए यहां पर टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसे क्या पढ़ा जाएगा? बसल। इसी प्रकार CASTLE, इसमें शब्द के अंत में TLE एक साथ है, इसलिए TLE का उच्चारण नहीं होगा और क्या पढ़ा जाएगा? कासल। आपको कभी भी कहीं भी अंत में, विशेष तौर पर हर हालत में, कहां पर? अंत में, TLE अंत में दिखाई देता है, तब उस टी का उच्चारण नहीं होगा। इसी प्रकार WHISTLE, इसके अंत में क्या है? TLE, इसे क्या पढ़ा जाता है? विसल। इसमें टी का उच्चारण नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे एग्जाम्पल की सहायता से आज समझ चुके होंगे कि टी क्यों साइलेंट होती है इस शब्द में। अब हम देखते हैं इसी संबंधित लिसन का ऐसा क्यों होता है कि उसमें भी टी उच्चारण नहीं होती है। तो रूल आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। यदि शब्द के अंत में TEN हो, तो तब टी का उच्चारण नहीं किया जाता। कहीं पर भी, कभी भी शब्द के अंत में TEN है, तब उस स्थिति में हम टी का उच्चारण नहीं करते हैं। ये आप में माइंड, ये अपने माइंड में फिल कर दीजिए। यदि शब्द के अंत में TEN है, तब इस स्थिति में कभी भी टी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, LISTEN, तो इसके अंत में क्या है? TEN, इसलिए इसका उच्चारण टी का नहीं होगा और क्या पढ़ा जाएगा? लिसन। इसी प्रकार FASTEN, तो इसे हम इसे फास्टन नहीं पढ़ेंगे। क्या आप इसे फास्टन पढ़ दो? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसके शब्द के अंत में TEN है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? फसल। इसी प्रकार अगला उच्चारण देखें। यदि आपको उच्चारण से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो नीचे कमेंट करें, तो उसका मैं निराकरण करूंगा। इसे कई जगह फसल भी मिलता है और इसका उच्चारण फासन भी हो जाता है, लेकिन मेरे अनुसार इसका करेक्ट उच्चारण फासन है। इसी प्रकार देखें GLISTEN, इसमें भी शब्द के अंत में क्या है? TEN, और जब शब्द के अंत में TEN होता है, तब उस टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसलिए जो आपका GLISTEN लिखा है, इस GLISTEN में शब्द के अंत में TEN होने के कारण, यहां पर शब्द के अंत में क्या है? TEN, इस कारण से इसका उच्चारण नहीं होगा और
और इसे क्या पढ़ा जाएगा, गिल सर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखें, सी एच आर आई एस टी है, तो यहां पर अंत में क्या है, टीई है, इस कारण से इस टी का उच्चारण नहीं होगा और इसे क्या पढ़ा जाएगा, कृष्ण। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।